प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम ने गुरुग्राम में भव्य रोड शो भी किया। बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। इसके शुरू होने से दिल्ली से गुरुग्राम तक दूरी महज 25 मिनट में पूरी हो सकेगी। इस एक्सप्रेसवे से NH 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को सुचारू करने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा खंड लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद कहा कि मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे देश को समर्पित करने का अवसर मिला। इस प्रोजेक्ट पर 9000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आज से दिल्ली और हरियाणा के बीच परिवहन का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह आधुनिक एक्सप्रेसवे न सिर्फ गाड़ियों में बल्कि दिल्ली NCR के लोगों की जिंदगी में भी गियर गिफ्ट शिफ्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा, लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वह एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है।